हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पोके ट्रेनर के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ पोकेमोन रन अवे प्रॉब्लम। मतलब बहुत सारे बंदों के साथ ये होता है जो फर्स्ट पोकेमोन गो, मतलब बिगिनर प्लेयर है, या बहुत ऐसा प्लेयर भी है जो बहुत दिनों से खेल रहे हैं लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? जब भी वो पोकेमोन को पकड़ने जाते, मतलब वन बॉल थ्रो करने के बाद ही वो पोकेमोन रन अवे हो जाता है, मतलब भाग जाता है। और गाइस, ये रिपीटेडली होता है, मतलब हर एक पोकेमोन में ये प्रॉब्लम होता है। जब भी वो पोकेमोन को पकड़ने जाते हैं वो भाग जाता है, एंड जब भी वो पोके स्टॉप में स्पिन करता है तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। रिवॉर्ड मतलब कोई पोकेबॉल, कोई आइटम, कुछ भी नहीं मिलता। एंड जब भी वो जिम में फाइट करने जाते हैं तो जिम से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है एंड ये प्रॉब्लम क्यों होता है, सब कुछ आज मैं वीडियो में डिटेल्स बताने वाला। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट सब कुछ होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखो। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कब करोगे बताओ ना, कब करोगे? जल्दी से कर दो सब्सक्राइब अगर चैनल में नए हो तो। और बाजू में देखो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसमें प्रेस कर दो, घंटी बजा दो, ठीक है? और वीडियो में लाइक कर दो। ये तगड़ा वीडियो का आज का लाइक है मैं वो है 200, मतलब 200 लाइक आपको ये वीडियो में कंप्लीट करना है कैसे भी करके, ओके? और गाइज, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके मुझे फॉलो कर लेना, और कुछ नहीं, फॉलो कर लेना, डीएम कर देना, हाय हेलो भेज देना, ठीक है? तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉब्लम होता है, मतलब जो पोकेमोन को हम पकड़ने जाते हैं वो रन अवे हो जाता है, पोके स्टॉप से हमें कोई पोकेबॉल या कोई आइटम कुछ नहीं मिलता, जिम में भी प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता क्यों है? ये प्रॉब्लम का मेन रीज़न है वो है सॉफ्ट बैन। तो गाइज, मैं छोटा करके आपको बता देता हूँ सॉफ्ट बैन आपको कब लगता है। तो गाइज, अगर मान लो कि आप एक बिगिनर प्लेयर हो, तो जब भी आप पोकेमोन गो को स्पूफ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐप से स्पूफ कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, पीजी शॉप में कर सकते हो, आईपोको में कर सकते हो, कुछ भी ऐप में कर सकते हो, तो जब आप स्पूफ करते हो तो क्या होता है, मान लो कि अभी आप एक लोकेशन में हो और वहां पर आपने एक पोकेमोन को कैच कर लिया, दो तीन पोकेस्टॉप को स्पिन कर लिया, एक रेड बैटल भी कर लिया, तभी तुरंत आप क्या करते हो, नेक्स्ट कोई एक लोकेशन, जैसे दूसरा कोई स्टेट या दूसरा कोई कंट्री में जाके आप स्पूफ करना चालू कर देते हो। कोई भी अगर पोकेमोन को आप कैच करने जाओगे, आपको लग जाएगा कूल डाउन, मतलब सॉफ्ट बैन। पकड़ने जाओगे, आपका पोकेमोन भाग जाएगा, पोके स्टॉप में स्पिन करोगे, फायदा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, जिम में फाइट करने जाओगे, जिम से बाहर निकल जाओगे, तो ये प्रॉब्लम तब आता है। तो ये प्रॉब्लम से पहले हमें बचना कैसे है, ठीक है, वो पहले बता देता हूँ, और फिर जाके मैं आपको बताता हूँ अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो आपको करना क्या है। तो गाइस देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम से बचना है तो आपको जो करना है, किसी भी लोकेशन में अगर आप स्पूफिंग करते हो, ठीक है, या करना चाहते हो, तो आपको ध्यान में रखना है अभी लॉगिन करने के बाद आप जो लोकेशन में फिलहाल के लिए हो वो लोकेशन में आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, पोकेमोन पकड़ना, जिम स्पिन करना, रेड बैटल करना, जिम फाइट करना, कुछ भी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करना है। सिंपली आप जो लोकेशन में स्पूफ करना चाहते हो कोऑर्डिनेट डालो, चले जाओ वो लोकेशन में स्पूफ करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन लॉगिन करने के बाद आप जो लोकेशन में हो वहाँ पर अगर आपने कोई भी एक्टिविटी कर लिया, जो मैंने पहले आपको बता दिया था, पोकेमोन पकड़ना, स्पिन करना, ये सब अगर आपने कर दिया, तो आपको दूसरे लोकेशन में स्पूफ नहीं करना है। जब भी आप स्पूफ करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो गाइस, इसका जो मिनिमम टाइम है, अभी आप बोलोगे कि भाई तो हम क्या स्पूफ नहीं कर पाएंगे, हाँ स्पूफ कर पाओगे, लेकिन एक टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है? वो है 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे के लिए आपको वेट करना है। मतलब आप जो लोकेशन में अभी लॉगिन आपका हुआ है, जहां पर आपने पोकेमोन कैच किया है, तो वो लोकेशन से जब आप दूसरा कोई लोकेशन में जाओगे तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे का गैप, मतलब 2 घंटे का गैप देना है, ठीक है, वहां पर 2 घंटे का आपको गैप देना है, फिर जाके आप स्पूफ करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मान लो आपका हो चुका है, मतलब आपने गलती कर दी और अभी आप कोई पोकेमोन को पकड़ नहीं पा रहे हो, पोकेस्टॉप स्पिन करने के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको तब आपको क्या करना है, ठीक है? तो अभी ध्यान से सुनो, आपको जो करना है, फर्स्ट जो आपको ट्राई करना है, किसी भी एक पोकेस्टॉप के सामने जाओ, पोकेस्टॉप को एटलीस्ट 40-50 times स्पिन करो, जब तक उससे पोकेबॉल बाहर निकल ना आए, ठीक है? आपको स्पिन करते जाना है 40-50 times एटलीस्ट 40-50 times आपको स्पिन करना, ये काम पहले करो। अगर उससे भी कोई काम ना हुआ तो तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली पोकेमोन गो को बंद कर दो, बंद करके 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ दो, फिर जाके आप ऑन करो, देखना आपका कूलडाउन भी हट जाएगा, सॉफ्ट बैन भी हट जाएगा। लेकिन गाइस, ऐसा गलती से भी मत करना कि आप हर रोज ऐसे गलती कर रहे हो और 2-3 घंटे वेट करके इसको ठीक करो, क्योंकि ज्यादा सॉफ्ट बैन मिलने से वो परमानेंट बैन भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको कहा है, जो गलती आपको नहीं करना है वो मत करो। अगर गलती से कभी भी सॉफ्ट बैन लग जाए तो मैं जो आपको बता दिया, दो एक पोकेस्टॉप को 40-50 बार स्पिन करो, अगर नहीं हुआ
तो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए वेट कर लो, फिर जाके ऑन करो, देखना आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में 200 लाइक कंप्लीट आपको करना है। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन में प्रेस कर देना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।